कोरोना का सीजन चला गया, लेकिन कोरोना के दिन में बड़े टेस्ट किए यार इन्होंने। ये सारी वायल्स पड़ी हुई हैं ब्लड कलेक्ट करने के लिए। अरे भी ऐसा करते हैं, सारी जो वायल है ना एक एक पकड़ के इनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी ठीक ठाक होंगे और होपफुली सभी के रोजे भी ठीक ठाक ही गुजरे होंगे। यार आजकल बहुत गर्मी पड़ी है यार, यकीन करो ये आखिर वाले जो 8-9 रोजे रह गए हैं ना बड़ी गर्मी में गुजरने वाले हैं। अभी यार मेरा हाल आप देख सकते हो, सोया उठा हूँ और आपने देखा है जैसे अभी आयसन का एग्जाम था आज बायो का और उसे अभी छोड़ के आऊँ। अभी इधर मैं ही हूँ अकेला, बाकी सुहेब जो है वो अंदर सोया है। आप देख सकते हो Many hours later. तो अभी बहुत टाइम हुआ था चेंज करके जो है ना फ्रेश होके आ गया था, एसएन का एग्जाम भी हो गया, वो भी आगे इधर बैठा हुआ है और जो हिप सोया हुआ यार 11:30 का टाइम हो रहा है ना, चाहिए था इसे यार। ये चेक करो, ये लेटा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे कंबल ही पड़ा हुआ है, अंदर कोई बंदा ही नहीं है। और ये बैठा हुआ है एसएन, कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ है। ये रिजल्ट आएगा वो तो तब भी पता चलेगा ना, अच्छा हुआ है या नहीं हुआ। ओ हेलो, केस मारी आ रही ने, सुता सुता नहीं है ऐसी रख डो, ऐसी रख कंबल सर पे आज तो इनका प्लान था शॉपिंग करने का, क्या माइंड है करनी है हैं पैसे नहीं है। Many hours later. अभी यार बहुत टाइम बाद मैं इधर आ गया था लैब में, कोरोना का सीजन चला गया लेकिन कोरोना के दिन में बड़े टेस्ट किए यार इन्होंने। मैं शिराज भाई के पास इसलिए, आपको तो बताइए कल वाला व्लॉग आपने देखा है शिराज भाई कौन है, अब्दुस्तार लैब कलेक्शन सेंटर के मैनेजर है, माशाल्लाह वेल ड्रेस है कल से। और ये जो है ना ये साहबजादे शिराज भाई के छोटे भाई हैं, क्या हाल है? ये पहले भी एक दो व्लॉग में है, ये बोलते नहीं है। लैब की एंट्रेंस जैसे कि आपको पता है मैं कलेक्शन सेंटर है, उधर टेस्ट परफॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं होता, ऐसा सीन नहीं है कि आप देख सकते हो ये सारे सैंपल पैक हो गए हैं, ये आप देख सकते हो जितने भी सैंपल है पेशेंट के बर्फ के अंदर लगे हुए हैं भाई। और एक कोई ना कोई एक लड़का जो है ना डेली बेस पे लेके जाता है, छोड़ के आता है उधर जो मेन ब्रांच है। और अच्छी बात ये है कि पेशेंट घर बैठे पीडीएफ रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, जो लैब की मेन ब्रांच है ये सारे जितने भी सैंपल है ना ये पकड़े हुए हैं भाई ने, ये चेक कर सकते हो। ये सारे ब्लड सैंपल है, किसका टाइफाइड है, किसी का कुछ है, किसी का ग्रुप है, ये वो सारा बुखार जितने भी टेस्ट है सारे उधर परफॉर्म होता है, ये सिर्फ कलेक्शन सेंटर है। ये सारी वायल्स पड़ी हुई हैं ब्लड कलेक्ट करने के लिए। अरे भी ऐसा करते हैं सारी जो वायल है ना एक एक पकड़ के इनसे पूछते हैं कि इस एक एक ट्यूब में कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म हो सकता है, ये किस किस के लिए है। तो तलहा भैया आए हैं इसमें यार, APTTPT INR का टेस्ट होता है जो जिस मतलब जिस समय देखते हैं कोई क्लाटिंग वगैरह तो नहीं हुई, समय देखते हैं कि ब्लड की क्लाटिंग तो नहीं हुई, ब्लड जमा तो नहीं हुआ जी, बस ठीक हो गया। APTTPT इसका ये टेस्ट का नाम है, ठीक है, इसमें ये परफॉर्म होता है इसके अंदर येलो के अंदर, ये इसका नाम है जेल वायल है, इसमें जो भी क्लाटिंग टेस्ट होते हैं जैसे टाइफाइड थायराइड हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, टाइफाइड थायराइड हार्मोन्स LFT जिगर की गर्मी RFT इसमें ये सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा ठीक हो गया। और ये शुगर वायल है, अच्छा ये शुगर है ग्रे कलर की जी, सही होगा रेड की, ये भी जल सेम, अच्छा ये सेम है, सेम है, इसमें दोनों सेम टेस्ट हो सकते हैं। सही सही सही। और ये CBC वाला, इसमें HB ब्लड ग्रुप और जो कंप्लीट ब्लड HB जिसमें ब्लड की मकदार चेक की जाती है, ब्लड ग्रुप जिससे पता चलता है AP पॉजिटिव है या कौन सा है, बस ठीक है। और CBC बेसिक जितने भी टेस्ट CBC में आते हैं वो भी इसी में होती है। उसके बाद ये वाली, ये ESR वायल है जो इन्फेक्शन होती है ना इंसान के अंदर, चेस्ट इन्फेक्शन खांसी वगैरह होती है, चेस्ट इन्फेक्शन इंसान का किसी भी किस्म की इन्फेक्शन होती है जो। और ये डब्बियाँ किसके लिए यार? ये यूरिन के लिए, अच्छा जितना भी पेशाब टेस्ट करना हो वो पखाना टेस्ट करना हो वो इसी के अंदर होता है। ये स्वैब पड़े हुए हैं भाई, सनी प्लस पड़े हुए हैं। अभी यार फाइनली ये रेडी हो गए हैं, फ्री हो गया, मतलब शिराज भाई भी नौमान भी और मैं, हम तीनों ने जाना है, ये तलहा इधर बैठेगा लैब में सही है। और अभी जाके देखना कि लड़के आए भी हुए हैं खेलने या नहीं, टाइम भी बहुत हो गया, वैसे फायदा कोई नहीं जाने का। चलिए फिर चलो आओ, लो
कोई बंदा ही नहीं है भाई उधर। प्रिंस आ गया था ठीक है, खेलने कोई नहीं था क्या? जुहेब अफतारी रेडी कर रहा है, क्या हाल है? बकवास नहीं कर रहा है। ठीक हो भाई? डू रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट। तुम्हें से बुला रहा हूँ, तुम्हें से बोल आगे से। कुछ रमजान की ख्याल कर ले यार, तुझे बोल बोल के मैं थक गया हूँ, पर शर्म नहीं आनी। उठाई ढक्कन, जल्दी उठाई, जल्दी पा। डेली जो शेक पिया जाता है ना, उसके अंदर डालता है जुहेब केला, दूध, चीनी और जामे शीरी डालता है साथ। ये उठाने की वजह से भाई काफी मेरी को कली जल गई हुई है। इसने बोला था खुद उठाओ और मुझे नहीं था पता ये इतनी गर्म है, और मैं लग गए भाई। पुलाव बन रहा भाई, ये कढ़ाई कड़ुई नहीं आया, ये झूठ बोल देता कभी। देख लो, कॉमन बात है, सोचने वाली बात है यार। इतने छोटे छोटे आजकल लोगों ने मजाक करते हैं ना, और सॉरी झूठ बोल के एक बात में कहते हैं मजाक के यार। अच्छा ये दोनों मिक्सचर जो है अब इसके अंदर डाल देगा। अभी इफ्तारी रेडी आगे पड़ी हुई थी तब से वेट कर, और फाइनली इफ्तार भी हो चुका है। पकड़ते हैं खजूर, टाइम वेस्ट नहीं करते। बहुत ही रोजा लगा हुआ, जो 8 रोजे बचे हैं ना, वो पीछे वाले रमजान की तरह होना है। फाइनली यार अफतारी डन हो गई थी, अभी खा के बैठे हैं और थोड़ा सा सुस्त हो जाता बंदा अफतारी करने के फौरन। आज के लिए यार बहुत है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई पूछना हो बताना हो या फीडबैक देना हो कोई, तो कमेंट सेक्शन है भाई, किया करो यार, वो इसीलिए बना हुआ है, कुछ बताया करो आप यार। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।